तो जिस व्यक्ति ने ये तस्वीर अपने कैमरे में कैद की है वही वहां की जानकारी भी दे रहा है। सुरेंद्र डसीला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। सुरेंद्र, जो ये कमेंट्री चल रही है, जो शख्स ये वीडियो बना रहा है उसकी आवाज को सुनकर भी अंदाजा गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है चमोली कर्ण प्रयाग श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है कृपया बच कर रहे क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। मित्रों इस समय मैं तपोवन में हूँ, इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से कोई ताल टूटा हुआ है जो इस समय इस नदी को क्या बोलते विष्णु प्रयाग धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है चमोली कर्ण प्रयाग श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है कृपया बच कर रहे क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो जिस व्यक्ति ने ये तस्वीर अपने कैमरे में कैद की है वही वहां की जानकारी भी दे रहा है। सुरेंद्र डसीला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। सुरेंद्र, जो ये कमेंट्री चल रही है, जो शख्स ये वीडियो बना रहा है उसकी आवाज को सुनकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां के हालात, वहां की स्थिति कितनी खराब है, वहां पर किस तरह का प्रलय आया हुआ है जहां से ये तस्वीर भेज रहा है। बिल्कुल, देखिए हम बात बता रहे हैं क्योंकि पानी ऊंचाई से नीचे की ओर जा रहा है और उसका जो प्रवाह है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यही चिंता प्रशासन की भी है क्योंकि लगातार जब पानी का सुरंग से संपर्क टूट गया है लेकिन पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पहाड़ से टूटकर मलबा नीचे गिर रहा है और यही सबसे बड़ी परेशानी है प्रशासन की, चिंता की लकीर प्रशासन के माथे पर इसीलिए है क्योंकि जो मलबा है जो पानी के साथ नीचे आ रहा है वो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। पानी के साथ साथ पहाड़ से टूटकर आने वाला जो मलबा है वो श्रीनगर और जो चमोली साथ ही कर्णप्रयाग के इलाके हैं वहां पर इससे काफी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि लोगों को तुरंत शिफ्ट करने के लिए, दूसरे स्थानों तक पहुंचाने के लिए, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है, आर्मी की मदद ली जा रही है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, स्थानीय प्रशासन भी मौजूद है।